कांग्रेस मानती है, दिग्विजय सिंह मानते हैं नरसिम्हा राव की भूल थी, लेकिन लिब्रहन कमीशन जिसने अपनी रिपोर्ट सौंपी जिस पर चर्चा होनी है संसद में, उसने कांग्रेस को नरसिम्हा राव को क्लीन चिट दी है। बात करते हैं गुजरात की। कच्छ के रण में नरेंद्र मोदी, रेगिस्तान में तंबू और टेंट लगे हैं, यहां चल रही है एक चिंतन बैठक। ये बैठक 3 दिनों तक चलेगी। मोदी इस बैठक के माध्यम से गुजरात की अगले साल होने वाली 50वीं सालगिरह की तैयारियों पर चर्चा तो करेंगे ही, साथ ही ग्लोबल वार्मिंग और सोलर पावर पर भी चिंतन होगा। कच्छ के रण में यह है गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी। उनका अंदाज राजनेता से ज्यादा एक सीईओ जैसा, जो रेगिस्तान के बीहड़ में मैनेजमेंट गुरु की तरह चुनौती का काट ढूंढने आया हो। चुनौती है गुजरात के तरक्की की, लेकिन पर्यावरण भी बड़ा मुद्दा है। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग और सूर्य शक्ति के माध्यम से मानव जात की सेवा करने के नए आयामों को कैसे खोजा जाए, उस पर गहन चिंता करने वाले हैं। इस बैठक में गुजरात सरकार के करीब 300 अफसर और राजनेता शामिल हो रहे हैं। उनको प्रेरित करने के लिए मोदी ने मिसाइल मैन यानी पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम को भी खास तौर से बुलाया है। अब जहां एक तरफ ग्लोबल वार्मिंग के मुद्दे कभी मालदीव के समंदर में तो कभी नेपाल में एवरेस्ट पर बैठक हो रही है, ऐसे में मोदी भी रण के माध्यम से अपनी बात लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। दीमन पुरोहित, कच्छ आज तक।